विवाह सहायता योजना मैरिज असिस्टेंस स्कीम एक बड़ी योजना की घोषणा की एलजी मनोज सिन्हा ने। योजना ये की बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अंत्योदय परिवार की बेटी को शादी के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ दर्शकों, ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने चैनल सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आप तक हर छोटी बड़ी खबर जो है वो पहुंचाए। फिलहाल जो एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं, ये खबर है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों के लिए। जी हाँ, मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है इसकी घोषणा की एलजी सरकार ने। आपको बता दें कि बेटियों की शादी में सरकार द्वारा सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। जी हाँ, इसी से संबंधित एक अपडेट सामने निकल कर आई। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर और किस कैटेगरी के लोग इस योजना के लिए एलिजिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि इस योजना के लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दर्शकों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे चलकर मिल जाएंगे, इसलिए ये वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखें और साथ साथ आगे शेयर करना ना भूले, ताकि जिन लोगों को इस समय सरकार की सहायता की जरूरत है वो स्कीम को अवेल कर सके, स्कीम का फायदा उठा सके। फिलहाल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर सरकार अब अंत्योदय अन्न योजना और साथ ही साथ प्रेफरेंस हाउसहोल्ड राशन कार्ड होल्डर यानी कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार की बेटी के विवाह में 50,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो देगी। जी हाँ, सरकार द्वारा आप कह सकते हैं कि सहायता राशि 50,000 की बेटियों की शादी के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, आपको ये बताना यहाँ पर बेहद जरूरी है कि जो फाइनेंशियल हेल्प सरकार द्वारा दी जाएगी वो सिर्फ एक ही बार के लिए दी जाएगी। यानी कि आम भाषा में आपको समझाते चले कि जो लोग स्कीम को अवेल करने के लिए रजिस्टर करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये कि कुछ कैटेगरी के लोग ही स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और वो कैटेगरी उन लोगों के लिए जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतराल में आते हैं, और ऐसे लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी हाँ, यही लोग जो है वो अपनी बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप सिर्फ एक ही बार के लिए स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और अब जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और इस स्कीम के बारे में जान रहे हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्कीम के लिए आवेदन किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात करते चले तो 1 महीने पहले करना होगा रजिस्टर। जी हाँ दर्शकों, इस निर्णय से लाखों परिवार इस लाभ के हकदार होंगे। जी हाँ, लाखों परिवारों को फायदा हो जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि ये लाभ जो है वो केवल उन्हीं लड़कियों तक सीमित था, लिमिटेड था, जिनका नाम समाज कल्याण विभाग के गरीब बालिका सर्वे से तैयार की गई लिस्ट में शामिल था। लेकिन अब आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट सामने आई। जम्मू कश्मीर सरकार ने स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम का पुनर्गठन किया है, जिसके तहत इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं और लाभार्थियों को सहायता लेने के लिए कम से कम 1 महीने पहले संबंधित सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास रजिस्टर करना होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ निर्धारित फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही, जितनी भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपको उस दफ्तर में जाकर पता चल जाएंगी, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होते ही सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 50,000 की सहायता राशि जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ऐसे लोगों को दे रही है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए काफी परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बोझ उन पर पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार द्वारा एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि इन बीपीएल परिवारों को दी जा रही है, या फिर ऐसे लोगों को जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत इस स्कीम के अंदर बेनिफिशरीज है। तो दर्शकों, बता दें ये बड़ी अपडेट इस समय सामने निकल कर आई। रजिस्टर आपको सोशल वेलफेयर ऑफिसर के ऑफिस में जाकर सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, वहां पर आप अपनी सभी फॉर्मेलिटीज
सबमिट करें, रजिस्टर करें स्कीम के लिए, और उसके बाद आपको बता दें कि कुछ ही महीने के बाद आपके अकाउंट में जो राशि है, सहायता राशि, वो डीपीटी माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है, इसको आगे शेयर करना दर्शकों ना भूले, ताकि जिन लोगों को सीरियसली स्कीम की जरूरत है, जिन लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि की जरूरत है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सके। ये थी पूरी खबर, ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहें सच न्यूज नेटवर्क। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।